अपना पहला टेस्ट विन यहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट किया, और 365 दिन मतलब एक साल बाद पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैचेस जीता है, जो कि पाकिस्तान फैंस के लिए एक आप कह सकते हो त्यौहार से कम नहीं है। पाकिस्तान फैंस इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि उसके जो प्लेयर्स हैं उसने टेस्ट मैच जितवा दिया, और वो भी पूरे एक साल बाद जब पाकिस्तान टीम मतलब अपना कह सकते हो हौसला हार गई थी, और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हारी थी, और अब यहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने एक साल बाद अपना जो करियर का बाद क्या करियर कह रहा हूँ मतलब एक साल बाद अपना जो विन है वो किया। श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। आप श्रीलंका के पहली पारी की बात कर लो तो श्रीलंका ने 312 रन मारे थे जिसमें उसकी सारे विकेट चले गए थे। अगर मैं अच्छे बॉलर की बात करूँ तो साहिंस अफरीदी ने जो बवाल मचाया है श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान की तरफ से वो आप कह सकते हो तारीफ के लायक है, बहुत ज़्यादा तारीफ के लायक है, क्योंकि साहिंस अफरीदी एक समय पे चोटिल हो गए थे और श्रीलंका के अगेंस्ट ही चोटिल हुए थे, जिसके बाद से घुटना मुड़ गया था और उस घुटने के बाद सर्जरी में गए, फिर वापस वर्ल्ड कप में इंजरी हुई, उसके बाद वापस एक साल बाद टीम में टेस्ट में फिर से री एंट्री होती है, जिसके बाद जो साहिंस अफरीदी ने उसने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को फोड़ फाड़ के रख दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एक प्लेयर ने भी यहाँ पे अच्छा किया जिसका नाम है साउथ शकील, उसने अकेले दोहरा शतक लगाया पाकिस्तान के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका के स्कोर को सरपास करके यहाँ पे 461 रन मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में फिर श्रीलंका बैटिंग करने आती है तो 279 रन पे आउट हो जाते, जिसके बाद श्रीलंका टारगेट देती है 131 रन का पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसको बड़े ही आसानी से चेज कर लेता है 6 विकेट गवा के। अब पाकिस्तान के लिए जीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पाकिस्तान के फैंस इतना खुश है? देखिए, एक साल बाद किसी टीम को जीत मिलना टेस्ट मैचेस में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अगर कोई भी टीम को आप देख लो तो ये एक एक साल का गैप नहीं रहता है, एक दो महीना तीन महीना चार महीना के बाद वो जीत ही जाते हैं किसी न किसी टीम के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान टीम एक लौती टीम है जो एक साल बाद जीती है, और ये पाकिस्तान फैंस के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर साउथ शकील ने दोहरा शतक लगाया पहली पारी में, उसके बाद सेकंड पारी में भी उसने अच्छा खेला। बाबर आजम ने पहले पारी में उतना अच्छा नहीं खेला, 13 रन मार के आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे पारी में उसने थोड़ा सा ट्राई किया। अब यहाँ पे ट्राई करने के बाद भी यहाँ पे उतना नहीं चला बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम की कैप्टेंसी पे मतलब यहाँ पे बात आ गई थी कि बाबर आजम टेस्ट में कैप्टेंसी नहीं कर सकता है, लेकिन इस मैच में जीत के बाद बाबर आजम ने बता दिया कि बाबर आजम अभी भी मतलब टेस्ट की कैप्टेंसी कर सकते हैं। अब ये बात यहाँ पे पाकिस्तान फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि कल ही यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही गंदे तरीके से हराया था, वो इंडिया के बच्चे वाली स्क्वाड ने पाकिस्तान के सीनियर स्क्वाड को हरा दिया था इमर्जिंग एशिया कप। इसके बाद पाकिस्तान के फैंस नाराज थे, और उस नाराजगी के बाद पाकिस्तान के फैंस को एक आस थी जो थी श्रीलंका के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो, अब उस नाराजगी का जो गुस्सा है वो खुशी में बदल गया जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया और 131 रन का जो टारगेट है वो चीज कर। बात करूँ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तो शफीक ने 8 रन मारे थे, इमाम ने यहाँ पे 50 रन मारे, मसूद ने 7 रन मारे, और मोइन अली ने 0 रन, बाबर आजम ने 24 रन मारा, वो अच्छा इंटेंट दिखाया था। साउथ शकील ने 30 रन मारा पहली पारी में दोहरा शतक के बाद, दूसरी पारी में 30 रन, उसके साथ साथ सरफराज अहमद ने 1 रन और आगा सलमान ने 6 रन मारा। अब ये सीरीज सरफराज अहमद के लिए भी अच्छा था क्योंकि सरफराज अहमद को चांसेस नहीं मिल रहा था पाकिस्तान टीम में, और टेस्ट में वो मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी पारी खेलने के बाद वो सेंचुरी मारने के बाद उसको चांसेस दिया गया, और पाकिस्तान टीम की तरफ से भरोसा दिखाया गया कि जो सरफराज अहमद है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ पाकिस्तान श्रीलंका के बैटिंग की, तो श्रीलंका के बैटिंग में जो निशान मधुशंकर है उसने 52 रन मारे, और उसके बाद बाकी जो प्लेयर है धनंजय डी सिल्वा उसने 82 रन मारे, बाकी श्रीलंका के जितने भी बैटर्स थे वो सब नहीं टिक पाए। और बॉलर की बात करूँ तो साहिंस अफरीदी ने 2 विकेट लिए सेकेंड इनिंग में, और पहली इनिंग में भी यहाँ पे अच्छा खासा विकेट लिया था, और आगा सलमान ने 2 विकेट, अबरार अहमद ने 3 विकेट, और मोइन अली ने 3 विकेट लिए। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले टेस्ट में अच्छी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन एक साल बाद किसी की टीम के लिए जीत आना ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है अपने आप में।